बायसी विधायक ने क्षेत्र में दो अलग अलग सड़क का फीता काटकर किया शिलान्यास। बायसी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना तहत दो अलग अलग सड़क का बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने दर्जनों कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों के साथ फीता काटकर शिलान्यास किया, जिसमें पहला सड़क मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत खुटिया पंचायत के खोखसा गाँव में साजिद के घर से शकील के घर तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिसकी लागत 1,18,705 रुपए है, जिसकी लंबाई 0.915 किलोमीटर है। वहीं दूसरी सड़क मुख्यमंत्री संपर्क योजना अंतर्गत बनगामा पंचायत के मजलिसपुर गांव में PMGSY सड़क से कोच गांव तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी लागत राशि 1,33,807 रुपए है। सड़क की लंबाई 1.100 किलोमीटर है। शिलान्यास के मौके पर बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने कहा कि ये दोनों सड़क की स्थिति काफी खराब थी। बरसात के मौसम में हल्की बारिश में भी गांव तक सवारी गाड़ी नहीं जा पाती थी। बाढ़ में ग्रामीणों का नाव ही एकमात्र सहारा था, लेकिन अब इस सड़क का शिलान्यास करते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है। वही मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल राजिक, मोहम्मद हातिम, फरहाद, रिंकू, ग्रामीण कुमेल अशरफ, मुन्ना, अली अकबर, बिट्टू, तहसीन, उबेद, नईम, आसिफ, नूरानी, मरगूब आदि के साथ साथ दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। आज बायसी प्रखंड के खुटिया पंचायत के ग्राम खोखसा में ग्रामीण विकास विभाग के NDV योजना के अंतर्गत एक रोड का शिलान्यास है, जिसकी अनुमानित राशि 1,18,70 रुपये है और इसकी दूरी 916 मतलब किलोमीटर पॉइंट मीटर। ये योजना आवागमन एवं जनहित के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। बरसात के दिनों में यहाँ के ग्रामीणों को मुख्य सड़क से मिसिंग लिंक से आने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और हमारे जीत के बाद ही से यहाँ की जन समस्या में एक मुख्य समस्या थी, जिसके लिए जनता काफ़ी परेशान था। इन सड़क के निर्माण हो जाने से अब बरसात के लोगों के दिनों में लोगों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और प्रधानमंत्री सड़क से संपर्क स्थापित होगा और प्रखंड मुख्यालय और NH 31 का रास्ता सुगम होगा। दूसरी सड़क आज करना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है। ये बायसी प्रखंड के बनगामा पंचायत का जो है आपको मजलिसपुर में PMGSY रोड से कुछ गांव तक, ये भी मिसिंग लिंक है, डिसकनेक्टिंग रोड है और वहाँ एक बहुत बड़ा टोला बसा हुआ है। उस टोले के लोगों को मुख्य सड़क तक या संपर्क सड़क तक आने में काफ़ी कठिनाई होती थी। इसमें अनुमानित राशि 1,33,807 रुपया है और इसकी लंबाई 1 किलोमीटर 10 पॉइंट है। इन सड़कों के बन जाने से यहाँ के लोगों को कितने, अरे ये बायसी का चौमुखी विकास, मैंने पूर्व में भी कहा था कि बायसी में चौमुखी विकास होगा और आने वाले दिनों में हम लोगों को जो विकास के दृष्टिकोण से यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने जो पेचित रखा था महागठबंधन सरकार के बनने के बाद, हम लोगों ने जो कार्य योजना बनाया उस योजनाओं का क्रियान्वयन अभी हो रहा है और प्राथमिकता के आधार पर होगा भी और यहाँ के लोगों की जो समस्या है बहुत हद तक हम लोग प्रयास करेंगे कि 100% दूर करने का। अभी यहाँ के स्थानीय लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ समस्याएं सुनने को मिल रही है? देखिए खुटिया खोखसा गांव जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट गांव है, बहुत तवारीकी ऐतिहासिक गांव है और यहां की जो समस्याएं होती है उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर हल कराते हैं। यहां की मूलभूत समस्याएं अगले साल भी एक कब्रिस्तान में पुल का था, रोड का था, अभी सबसे बड़ा जो लोगों का डिस्कनेक्टिंग रोड था ये था और एक स्वास्थ्य केंद्र का था, जिनको हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति दे दी है। बहुत जल्दी हमारी योजना से यहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी बनेगा और ये आपको रोड तो बन गया। विधायक बायसी द्वारा मजलिसपुर से पोखरिया गांव को जोड़ने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया है। 1,33,00,000 रुपए की लागत राशि से यह नाबार्ड योजना अंतर्गत शिलान्यास किया गया है। माननीय विधायक ने जो वादा यहां के स्थानीय लोगों से किया था कि अगर हम इस चुनाव में कामयाब होते हैं, माननीय विधायक जो है बायसी विधानसभा अंतर्गत जो लगभग मुख्य सड़कों को जोड़ने का काम किया है
और जो वादा उन्होंने अपने चुनावी घोषणा में किया था, चुनावी वादा को पूरा करते हुए आज मजलिसपुर गांव में हम लोग यहां बैठे हैं। यहां से जो पोखरिया जाने वाली सड़क जो माछमड़ा धार होते हुए उस सड़क का सिलसिला, इसके अलावा यानी कि चंद्रगावा पंचायत में खुटिया पंचायत का वो छोड़ पड़ता है, चंद्रगावा पंचायत के समीप में इसमें वहां एक खोक्सा गांव में एक सड़क का शिलान्यास किया गया है। भैया हम किसानों की समस्या का एक ही इलाज, जहानवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज, इससे बुरी पैदावार की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसके मक्के बड़े बड़े एवं एक समान होते हैं, इसके दाने भी वजनदार होते हैं, इसमें प्रति एकड़ ज्यादा पौधे समायोजित करने की क्षमता है और जितनी भी तेज हवा हो ये गिरता नहीं है। साथ ही साथ ये सभी बुआई के दिनों में अच्छी उपज देते हैं। अब मैं भी जाह्नवी सीड्स के 3455 मक्के के बीज ही लगाऊंगा और खुशहाल जीवन बिताऊंगा।